वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, हमेशा हर गवर्नमेंट जो है वो बात करती है आवाम के हालात को बेहतर करने, महंगाई को कंट्रोल करने, पाकिस्तान में इस मुल्क में खुशहाली लाने, लेकिन फ़िलहाल तक तो मज़दूर तबके से लेकर कारोबारी हजरात तक परेशान नज़र आ रहे हैं। वो परेशानी महंगाई की सूरत में है, वो बिजली की बिलों की सूरत में है, वो हालात ख़राब होने की सूरत में है, और सबसे बड़ा रीज़न आमदन ना बढ़ने की सूरत में। लोगों की ज़राए आमदन उतनी है, अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे इसको मैनेज कर पाए, गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, ख़ास तौर पर मज़दूर तबका, वो दिहाड़ी वाले लोग जो मज़दूर, मिस्त्री, रंगसाज, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले, किसी वर्कशॉप में काम करने वाले, किसी होटल में काम करने वाले, किसी दुकान में सेल्समैनी करने वाले, 25, 30, 35, 40 हज़ार कमाने वाले, क्या उनका गुजारा हो पा रहा है? क्या इस मुल्क में हालात बेहतर हैं या बेहतर होने की ज़रूरत है? इस पर लाहौरी क्या कहते हैं, लाहौरियों के हालात क्या हैं, ये आज आपको दिखाते आए हैं। महंगाई के इस दौर में हालात से परेशान लाहौरी, जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़ास तौर पर वो तबका जो डेली वेजेस पर काम करता है, जिसे नहीं अंदाज़ा होता कि घर से जा रहे हैं तो क्या हमारी दिहाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जिनके तहत इन लोगों को रजिस्टर किया जा सके। मैं अक्सर जब भी मज़दूरों के साथ, डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ काम करती हूँ, बात करती हूँ, तो इस तरह के लोग जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, हमेशा एक डिमांड करते हैं कि हमें भी रजिस्टर कर दें, हमारा भी कार्ड बन जाए, शायद हमारे भी हालात बेहतर हो जाएं। ज़रा आमदन बढ़ाने के लिए क्या गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है या नहीं है, ये लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या हालात है इनके, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक बड़ा तबका, मज़दूर तबका मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी कितनी दिहाड़ी लेते हैं आप? दिहाड़ी 1500 है, 2000 है, 1200 है, 1300 है, जिधर कोई लग जाए लग जाए, जितना लग जाए लग जाए। हाँ। आखिरी दिहाड़ी कब लगाई थी आपने? आज 15-20 दिन हो गए हैं। 15-20 दिन हो गए? हाँ। कोई दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी। तो गुजारा कैसे हो रहा? ये देखो ये अभी कोई बांट के गया यहाँ पर ना। हाँ, ये इधर से लिया है, आपके सामने लिया ना। हाँ। क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? महंगाई इतनी है, आटा, आटे का थोड़ा 1000 रुपये का है, किधर से गरीब आदमी बढ़ेगा पैसा? बिल 30-30 हज़ार, 31-31 हज़ार बिल आता है। कितना बिल आया आपका? 31 हज़ार। क्यों? दो पंखे हैं, एक फ्रिज है और एक पंखा है, क्या करेगा, इतना बिल आता है। अमीर लोगों को नहीं पैसा डाल सकते, ये गरीबों के ऊपर हम करते हैं सारा जुल्म। जुल्म तो गरीब के ऊपर हो रहा है, अमीरों के ऊपर डालने। ये ऐसे भीख मांगने वाली बात नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में रोटी देते हैं, ये क्या करते हैं? ये पहले पाकिस्तान अच्छा था। साइड वाली विंडो में देखें, अब से कुछ देर पहले एक साहब यहाँ पर आए और मोटरसाइकिल पर नान हलीम बांटने आए, एक शॉपर था उनके पास नान हलीम का, और वो मंजर आप देखें कि किस तरह से सब लोग जो हैं वो उनसे पहले 5 रुपया दिहाड़ी था, पहले 5 रुपया दिहाड़ी था तो गुजारा हो जाता था, अब 2500 रुपया, 3000, 4000, 2000, 1000 लेते हैं, 1200 लेते हैं, गुजारा फिर नहीं होता। आटे का थैला जो है 1000 रुपये का है, घी का कीमत कितना बढ़ गया है, मजदूर किस पास जाएगा, मजदूर किधर से खाएगा, बच्चों को किधर से पालेगा, वो सड़क के ऊपर आ जाएंगे बच्चे, क्या करेगा आदमी लोग। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 है। 75 साल की उम्र में भी आज आप मजदूरी ढूंढ रहे हैं, मिस्त्री हैं आप? हाँ जी मिस्त्री हैं, और दिहाड़ी ढूंढ रहे हैं? हाँ, दिहाड़ी नहीं मिलता, क्या करें? बच्चे क्या करते हैं आप? बच्चे बस अपना अपना काम करते हैं, बकरे पाले हैं, हमने तो दोनों जीवन ने खाना है ना, किधर से खाएंगे, किधर से कमाएंगे? बीवी तो नहीं आगे बाहर से कमा के लेके जाएगी, खिलाना तो मैंने है, मेरे लड़ लगी है, ये बात आपकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है, बच्चे अपने अपने निकल गए। हाँ, बिल्कुल। और आप अकेले अपनी बीवी को के साथ खाने का गुजारा कर रहे हैं? कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दे रहा है अल्लाह ताला, थोड़ी देता है, बहुत ही देता है, चले जाते हैं आते हैं, चले जाते हैं आते हैं, सारा सारा दिन बैठते हैं, इधर रोजगार नहीं है, दुकानदार जो हैं वो सब बैठे हुए हैं, क्या अंकल मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि हुकूमत अगर आप लोगों को रजिस्टर कर दे, मज़दूरों का कार्ड बना दे, आपकी जो दिहाड़ी है वो तय कर दे, फ़ायदा होगा उससे? हाँ, लाजम फ़ायदा होगा, क्यों नहीं फ़ायदा होगा, एक जगह पे खड़े हों, एक जगह पे कार्ड बनाए, ये कार्ड बनाए भाई,
किसी गवर्नमेंट के मुलाजम हो। हाँ सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट में लेके जाएं, फायदा हो सोशल सर्विस के। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हुकूमत का या किसी और का मसला कोई नहीं, ये आप मीडिया वाले हैं। अगर हमारा आप, मसला है? नहीं आप मीडिया वाले हैं ना, CC42 वाले हैं ना, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बड़े मेहरबानी हमारी बातें सुनकर अगर इस पर गौर नहीं करेंगे या नहीं करवाएंगे तो ये सब नाकस हैं। ठीक है, हम मैं इस वक्त यहाँ कार ये जो पेंटर का काम करता हूँ, वाइट वाश कलर वाश डिस्टेंपर वगैरह का, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि रोटी कमा कर खा लेता हूँ। मेरी 72 ईयर्स एज है, लेकिन बच्चे भी माशाल्लाह कमाई करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा सख्त नहीं मिल में काम करने वाली, लेकिन मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको सुनाऊँ? मेरी हुकूमत से अपील है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, आपकी अगली बात मैं सुनती हूँ। आपने मुझे कहा कि 342 वाले आए हैं, ये बात आगे नहीं पहुँचाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपना शो दावे से हल्फन कह सकती हूँ कि आवाम के लिए करती हूँ। जो आवाम कहती है मैं अपने इस शो में हुक्मरानों को दिखाती हूँ। रात को प्राइम टाइम पे 8 बजे मेरा शो चलता है और सब लोग देखते हैं, नोटिस भी करते हैं। मैं किसी की तर्जुमानी करने नहीं आई, मैं आप लोगों की तर्जुमानी कर रही हूँ, आप लोगों के हालात दिखाने आई हूँ कि कितने लोग मजबूर हो गए हैं। आ रही आपकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपना जिनकी 65 ईयर्स एज है उनको ओल्ड मैन बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे बाहर के मुल्कों में मिलता है, उनको ओल्ड मैन मिलना चाहिए। हमारे भी कुछ अपना डिमांड है, कुछ नहीं कह रहे हैं। 70 साल की उम्र में भी नौकरी करनी और 8-8 घंटे सड़क पे बैठे रहना कि कहीं दिहाड़ी मिल जाए, और इतना सख्त काम करना। सोशल वेलफेयर स्टेट्स मौजूद है दुनिया में जिसके लिए ये काम कर सकते हैं, और ये लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, की कह रहे थे? मैं कह अभी आपने हाल देखा इधर मजदूरों का, रोटी आई है कैसे कहें, सिर्फ ये है गुर्बत है गरीबों के लिए, भूख नाच रही है यहाँ पे, सर पेट लगा है सबको, गुजारा नहीं हो पा रहा। छोटी से लाके अब तक सिर्फ 4 दिहाड़ियाँ लगाई हमने, तब बिल इतने इतने आ रहे हो, कहाँ से देने हैं, तो कैसे गुजारा कर? बस वो अल्लाह ताला जो कर्म कर रहा है, जो को बहन भरा कोई थोड़ी बहुत मदद करते हैं तो करते हैं, लेकिन हुकूमत वाला कोई नहीं है। हुकूमत पहले दे ही जा रही है, हुकूमत पहले दो, बस रोटी ना खाओ पहले दो बस। 4 दिहाड़ियों में मुझे कारोबार भी नहीं है, जाहिर नहीं है कारोबार, महंगाई हो गई, लोगों ने काम कराना छोड़ दिया। आपको बोलो ना, सिर्फ छोटी से लाके हूं तक 4 दिहाड़ियां लगाई हैं, तो 4 दिहाड़ियों में क्या हमारा इधर बैठे खर्चा नहीं पूरा होता, तो घर हम क्या देंगे? वो तो कोई बहन भरा कोई ऐसे कोई मदद कर देते हैं थोड़ी पति, चलो आपको अगर हुकूमत रजिस्टर कर दे, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, कार्ड बन जाए, कार्ड सिस्टम बन जाए, तो उससे कोई आपको लगता है कि आप लोग जाके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे? रजिस्टर तो कराएंगे, अगर हुकूमत हमें लीज दे तो, ये हुकूमत हमें लीज ही नहीं देना उस कार्ड का क्या फायदा, क्या उस चीज का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? कितनी दिहाड़ियां लगा लेते हैं महीने की? मैं 4 दिहाड़ी लगी हैं जी, सिर्फ 4 भावनगर के रहिशी हैं हम, इधर मजदूरी करने आए हैं बच्चों का पेट पालने के लिए, लेकिन काम नहीं है, बिजली का बिल आ गया 17,000 आ गया 18,000 आ गया, भावनगर या लाहौर में? हाँ ये भावनगर का हम रहिशी हैं, इधर काम बिल्कुल नहीं है, मजदूर की दिहाड़ी नहीं है, कोई काम नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा। तो घर पे क्या भेजते हैं आप जब यहाँ पे किराए शराए में निकल जाता? कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं निकल सकता जी, बहुत परेशान है, घूमने कुछ भी नहीं दिया हमारे पले, गुजारा नहीं चल रहा, दिहाड़ियाँ ही नहीं है जी, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मैं एकदम परेशान हो गई कि सब लोग किधर चले गए हैं, अभी बात कर रहे थे, वो वहाँ देखिए लोडर पर कोई मुखैर हजरात जो हैं वो खाना लेकर आते हैं यहाँ पर, इन मजदूरों को रोज़ाना की बुनियाद पर खाना बांट कर जाते हैं। तो वहाँ जो रश आप देख रहे हैं वो इस चीज़ का रश है कि मैं आती हूँ आपकी तरफ कि मुफ्त खाना मिल रहा है और हम उसकी तरफ चले जाएं क्योंकि दिहाड़ी नहीं लग रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? मैं हालात दिखा रही हूँ लाहौरियों के आज कि मजदूरों से लेकर दुकानदारों तक ताजरों तक हर कोई परेशान है। परेशान है, ये गवर्नमेंट का काम है ना, वो खुद खाई आ रहे हैं तो हम लोग तो परेशान है, हमारा तो कोई सोचता नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी लाहौरियों को किस चीज की है? बिजली के बिल की, बिजली के बिल, खाने पीने का सामान है उसकी,
बहुत ज्यादा रेट है, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई तो होनी चाहिए कम, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है जी, महंगाई कम होनी चाहिए। यहाँ पे एक और साहब मौजूद है, रुके हैं बकायदा हमें देख कर। सलाम अलैकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं। लाहौरियों के हालात का जिक्र कर रहे थे हम, मजदूर तबके से शुरू किया, मैं तो सुन के परेशान हो गई, महीने की सिर्फ 2-3 दहाड़ियाँ लगाते हैं। मेरी बात सुनिए, एक बंदा जो है शाम को 500-600 रुपया दहाड़ी ले रहा है, ये मरियम नवाज साहबा जो है, ये जो अवाम ने मुतलिक किया इनको सबको, हमारे वोटों से आगे आया ना ये, जिस मजदूर के घर में 20,000 रुपये का बिल आ जाना है उस वो क्या करेगा मुझे बताएं। अब ये काम आपके देखेंगे, इनके घर में 20,000 रुपया बिल आ जाएगा, ये कहाँ से पे करेंगे लोग बुजुर्ग 75 साल की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। 15-20,000 रुपया, 25,000 रुपया, मेरे घर में एक पंखा चलता है, मुझे 20,000 रुपया बिल आया है। अब जारी बात है, या मैं किसी को मारूंगा या किसी के हाथ से मर जाऊंगा। क्या करते हैं आप? मेरे जो अपना वो काम है चिकन का, अपना काम करते हैं, इसका अपना कारोबार करने के बावजूद फिर भी हम इतने परेशान हैं, बिल इतने आ रहे हैं, इस गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है। ये अवाम को तहफ़ देने की बजाय अवाम को परेशान किया जा रहा है, अवाम को टॉर्चर किया जा रहा है कि अवाम हमें मारने पे ना, हुक्मरानों को मारने के लिए हम सड़कों पे आ सकते हैं। अब ये हमें बड़ा मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा आ जाएगा मेरे जैसा पागल कोई मिलेगा ना, मामला खराब हो जाएगा। शरीफ इंसान है। एक मेरी मैं जाऊंगा दुनिया से, तो बाकी तो जो लोग हैं वो तो सुकून से रहेंगे ना। अल्लाह ताला से दुआ कर, भाई बिल आ रहा है यार, ये गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा। अगर रात को इतना 20,000-25,000-30,000 रुपया बिल आ रहा है यार, इन लोगों को शर्म नहीं आती किसी हुक्मरान को? अभी लोगों ने कूलर बंद कर दिया है, हमें क्या फायदा होगा कि यार ये पंखा चलता है, एक पंखा चल रहा है उसका 20,000-25,000 रुपया बिल आ रहा है। अगर मैं 30,000 रुपया या 20,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ, अगर मैं हम कहाँ से पूरा करें, हम घर को चलाएं या बिल पे करें? अगर बिजली का बिल आ गया तो गैस का बिल आ जाता है, वो गैस का बिल जमा कराती है तो पानी का बिल आ जाता है, फिर रेंट पे। अब जिनका अपना घर है वो जो लोग किराए पे रेंट पे बैठे हुए हैं उनका क्या, उनके बारे में कभी इस गवर्नमेंट ने कभी सोचा है? उनके लिए कुछ तहफ़ बनाया है? अभी अभी कर रहे हैं ना, अपना घर अपनी स्कीम शुरू की है, 15 लाख रुपए का कर्जा देंगे घर बनाने के लिए, लेकिन वो भी उसको जिसके पास प्लॉट है। ये गवर्नमेंट जो है ना झूठ बोल रही है, फ्रॉड मार रही है अवाम के साथ, अवाम को धोखा दे रही है। ऐसी मैं तो अपने सभी भाइयों पाकिस्तानी शहरियों को कहूँगा, बाहर आके ना इनके घरों में घुस जाओ। नहीं, अल्लाह रहम करे, ऐसे ना सही होगा। मुल्क में हमें इस पे काम चाहिए, चाहिए ना, लोग परेशान हैं। क्या मेरी बात सुने, गवर्नमेंट क्या करी हमारे साथ? ये ज्यादती नहीं करी, जुल्म नहीं करी? हर महीने बाद फांसी का फंदा जो है ना हमारे गले में तो डाल देते हैं, 20,000 वाला 25,000 वाला, यार कहाँ से लाए इतने पैसे भाई? ठीक है, हालात बड़े खराब है लोगों के, लोग बेचारे मायूसी की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। समझाने की उन्हें मैं कोशिश करती हूँ कि इतना मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला को भी मायूसी पसंद नहीं, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, ये उम्मीद हमें अल्लाह ताला से है। लेकिन हुक्मरानों के लिए इस तरह के शोज़ में, इस तरह की बातों में लम्हा फिक्रिया है कि लोग बेचारे किस हाल में पहुंच गए कि आज ये बातें करने पर मजबूर हो गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? लाहौरियों के हालात दिखाने निकले हम वज़ीर आला साहिबा को। हालात क्या है, हम तो पिस रहे हैं, जो कुछ बात था वो भी हम बिल जो बिजली की है ना, इस दफा मैंने अपने बेटे की बाइक बेच के बिल उतारा है, ठीक है, बिल डबल डबल आ रहे हैं, महंगाई इतनी है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क में हमें पैदा होने की सजा मिल रही है। इन हुक्मरानों ने ये सोने की चिड़िया का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी दुनिया में चले जाओ, हमारे मुल्क जैसा पाको हिंद जैसा 3 सीज़न 4 सीज़न मुल्क कहीं नहीं है। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता लोग ये खिता ढूंढते हैं, ये इतने बदनसीब हैं, ये सारे हुक्मरान जितने भी आए हैं अवाम का खून निचोड़ के रख दिया इन्होंने। कितना बिल आया आपका बिजली का? मेरा बिल आया 35,000 रुपया, और मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है, मेरे इतने सोर्सेज नहीं है, तो मैंने चीज़ें घर की बेच के अपने बेटे की बाइक बेची है और बिल उतारा है। तो अगर आप माइंड ना करें तो कितना कमा लेते हैं महीने का? बेटा कमाना क्या है, आजकल तो ये जो वेल्डिंग वाले हैं ना, ये पीछे प्लांट रख के गलियों में सदाएं दे रहे हैं, वेल्डिंग करा लो, वेल्डिंग करा लो।
हर गली में देखो यही है, पहले काम मिल जाता था, अब तमीराती काम शुरू होंगे तो काम हमें मिलेगा। रॉ मटेरियल इतना एक्सपेंसिव हो गया है, काम का भी बेड़ा करके पास इतना है, कोई आ जाता है ये हमारी चारपाई वेल्डिंग कर दो, ये हमारा बेंच वेल्डिंग कर दो, वहाँ से 500-600 कमाया, 10,000 रुपया दुकान का किराया और 15,000 बिजली का बिल दिया दुकान का। अब मैंने ये काम पकड़ा हुआ है, जिसका काम कोई आता है कभी उसको कहता हूँ यार अपने घर पे तुम्हारे आके कर देता हूँ, बिजली से बचने के लिए लोगों के घर जाके काम करना शुरू कर। लोगों ने तरीके बदल लिए कमाने के, लेकिन कमाई नहीं बढ़ी, आमदन नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ती चली। बहुत परेशान है हम, बहुत परेशान है, लोग बेचारे परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं जी। और आप देखें कि किस तरह से हम मजदूर तबके से बात करें या सड़क पर रुकने वाले लोगों से बात करें, यहाँ पर कोई अल्लाह का बंदा बिरयानी दे गया तो इनका दिन का गुजारा हो जाता है कि खाना खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, वरना ना दिहाड़ी है ना यहाँ पर काम है। क्योंकि जाहिर है जिस तरह हम मज़दूरों का ख़ास तौर पर अगर जिक्र करें तो तामीराती मटेरियल महंगा हो गया, लोग पेंट नहीं करा रहे, लोगों को ये लग्जरी लगना शुरू हो गई है, और फिर जब गुजारे की बारी आती है तो हालात बड़े तंग होते हैं। एक और बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? बाबा जी कितनी उम्र होएगी ताड़ी? 70 साल। जरा खलोजोगे तो मेहरबानी होएगी ताड़ी, जरा गल चंगी हो जाएगी। 70 साल की उम्र च रंग कर दे हो तुसी? नहीं मैं मजदूरी कर दूँ जी। मजदूरी करने हो? इस उम्र च भी मजदूरी कर दे हो? की करे यार, क्या करिए, घर में बच्चे कमाने वाले हैं? है बच्चे, कमाते हैं, मैं मजदूरी कर दे जी, गुजारा हो जाता है। कितनी दिहाड़ियां लगदी ने? दिहाड़ी कोई लगदी जी। कितनी देर होगी? बाबा देर हो गया। बाबा देर होगी तो फिर इतने बह के 8-10 घंटे घर चले जाते हो? घर चली जाए। कार अपना किराए दा? कार बा अपना टाइम पर जगह है, अपना टाइमर ले दा कार है, भी बड़ी नेमत है। ते लोकी जेड़े परेशान हुंदे ने कि किराए नहीं दिते जांदे, हां किराए है ते सुख दा सा है। ए जेड़ा हुने खाना देन आए सी, रोज आंदे ने? रोज आंदे ने। ए कौन ने? ए ओ टोटल पंप वाला है, ओ टोटल पंप है ना, रोज आंदा है? हां रोज, रोज रोटी देके जांदा है। रोज जबरदस्ती ऐसे लोकां नु अल्लाह मियां सलामत रखे, ये उना दा ख्याल रखदे ने जेड़े रोटी नहीं खांदे सारा सारा दिन। बिल्कुल सही जी, ऐसे लोगो, ऐसे मुखय्यर हजरात को मैं सलाम पेश करना चाहूँगी जो अपने रिसोर्सेज में से ऐसे लोगों का ख्याल रखते हैं, जो डेली बेसिस पर कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उनके लिए वक्त सर्व करते हैं, उनके लिए खाना भिजवाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे, क्योंकि शायद उन्हीं से ये उम्मीद जो है वो आगे बढ़ती है, वरना तो लोग हालात से बहुत परेशान और मायूस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आप? ये सारे इंटरलिंक काम है, वेल्डिंग वाला हो गया, पेंट वाला हो गया, मेहनत मजदूरी और फिर दरवाजा, काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। मजदूरी, मजदूर बेचारे तो बड़े परेशान है कि काम ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा, दिहाड़ियाँ नहीं, बहुत उनको इसलिए नहीं मिल रहा ना, कंस्ट्रक्शनों का काम रुका हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन महंगी है, सीमेंट बजरी, उसी वजह से वो काम नहीं लोग करवा रहे, वो काम रुका हुआ है। आपका काम चल रहा है ठीक? शुक्र अल्लाह पाक का, हालात ठीक जा रहे हैं। 6 महीने पहले बने वो दरवाजे लेके जा रहे हैं, वो दरवाजे लेके जा रहे हैं। महंगाई की वैसे ओवरऑल सूरत हाल कैसी है? महंगाई तो खैर है, महंगाई का तो मसला चल रहा है, सबके साथ ही है, लेकिन गुजारा सही है, गुजारा हो सही बात है। बड़े लोग कंप्लेन करते हुए मिलते हैं, आप पहले हैं जिन्होंने कहा नहीं अल्लाह का शुक्र है, सही शुक्र करना चाहिए, क्या करेंगे, शुक्र तो करना नहीं चाहिए, नहीं होगा तो जब भी अल्लाह का शुक्र करें होगा, जब भी है लोगों के पास होता है तो कहते हैं मर गए, लेकिन लोगों के पास नहीं भी है ना, नहीं भी है, बात करते करते उसमें मिसाल 12% लोग रुपए में 12-6 आने लोग जो है वो परेशान है, 8 आने लगा लें, 8 आने का तो निज़ाम चल रहा है, चल रहा है तो पाकिस्तान चल रहा है। बिल्कुल निज़ाम चल रहा है जी, लेकिन परेशानियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन ये हमें एक वाहिद पॉजिटिव इंसान मिले हैं जो कह रहे हैं हालात ठीक है, महंगाई ने इतना परेशान नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। बिल महंगाई बहुत कहती है, बहुत करती है बिल महंगाई, की करते हो? मजदूरी करी थी, मजदूरी करी थी, कितनी दिहाड़ी लेंगे? 800 कमाते ही नहीं, एक दिन ला जाते, 2 दिन खाते ही नहीं। किन्नी आखिरी दिहाड़ी कदों लगी सी? इसी उम्मीद में कि रोज दिहाड़ी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या करते हैं आप? मजदूरी करी थी। मजदूरी करी दी है, कदों लाई सी आखिरी दिहाड़ी? आखिरी दिहाड़ी सवेर दी लाई है। लाई है आज? हां छोटी जी, छोटी जी। गुजारा सही चल रहा है? गुजारा मशरफ दौर च हुंदा ही, हुण कोनी हुंदा।
अच्छा दौर मुशर्रफ दौर ही सी क्यों बस ठीक सी ना पीपल पार्टी ते नून लीग किते खत्म हो जाए चंगा ही अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम क्या हाल है सर आपके अल्लाह का शुक्र है लाहौरियों के हालात दिखाने निकली हूं आज इनके हालात लाहौरियों के आवाम के साथ में तो फिर भी ये इलाका ठीक है सलामतपुरा में जाके आप देखें कीचड़ सीवरेज टूटे हैं मरीन नवाज साहब ने भी कहा था काम करेंगे सीवरेज का और गलियों का इधर पानी तीन दिन फुट जमा रहता है कोई सुनाई नहीं हो रही है आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी हुकूमत कोई खास काम नहीं कर रही हाँ खास काम नहीं कर रही सिर्फ खबरों की हद तक है खबरों की हद तक है हाँ तो अभी जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया पानी निकाल दिया कुछ घंटों में पानी 44 साल रिकॉर्ड टूटा बारिश का तो सड़कें बना रही हैं वो तो पानी वहाँ से निकला जहाँ उन्होंने पंप भेजे हैं अब पंप नहीं भेजे उधर तो पानी खड़ा ही रहा है ये सलामतपुरा फतेहगढ़ डिवीजन में 3-3 फुट में उधर का रहशी 3-3 फुट पानी उधर खड़ा है घरों में दाखिल हो जाता है चलें आप हमें अपना एड्रेस जरूर बता के जाएगा हम वहाँ पर शो करेंगे वहाँ आकर दिखाएंगे कि वहाँ पे इलाके के लोग जो है वो कैसे बुलाए मेयर फयाज कॉलोनी ठीक है वो आप मेरे प्रोड्यूसर को लिखवा दें हम उनसे जो है वो इस पे अगला शो जो है वो हम इनके इलाके में जाकर इनके हालात दिखाएंगे कि शायद हमारे प्लेटफॉर्म के तहत ही कुछ लोगों की सुनवाई हो जाए और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम एक बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पर हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं जो कारोबारी हजरात कहलाते हैं जो अपना कारोबार चला रहे हैं उनके हालात किस तरह से गुजर रहे हैं क्या आमदन और अखराजात बैलेंस हो पा रहा है या नहीं अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सर क्या हाल है आपके सर क्या नाम है आपका हाजी अमजद हाजी साहब कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं तकरीबन 20 साल से 20 साल से और आपका फैमिली बिजनेस है हमने देखा है शहर में लाहौरी कुल्फा जो है वो मुख्तलिफ जगह पर उनकी ब्रांचेज हैं हमने मजदूर तबके से भी बात की हम रिक्शा ड्राइवर से भी बात करते हैं हम दुकानदारों से भी बात करते हैं हमने कहा कारोबारी हजरात से भी बात करें हालात कैसे जा रहे हैं हालात बहुत ख़राब है बिजली की वजह से लोगों के पास इतना गुंजाइश ही नहीं है कि हमारी दुकान पे आए इलेक्ट्रिसिटी 40-40 हज़ार रुपये घर का बिल आ रहा है ये मेरे घर का छोटी सी फैमिली है मेरी 40 हज़ार रुपये बिल आया ये देखें 40 हज़ार रुपये मेरे घर का एक एसी भी नहीं है और दुकान का कितना बिल दुकान तकरीबन 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये बिल आता है 1 लाख रुपये मेरी दुकान का बिल आता है पर मंथ अपनी दुकान है किराए पर किराए पर कितना किराया किराया 1.5 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख रुपये आप कमाएंगे तो निकलेगा फिर उसके बाद जो लोग रखे हुए हैं जो बीच में प्रोडक्ट्स डालनी है उससे प्रॉफिट निकालना है बहुत मुश्किल है आमदन और अखराजात में बैलेंस हो पा रहा है नहीं इस वक्त तो लॉस में जा रहे हैं लॉस ही लॉस है क्या वजह क्या लग रही है आपको वजह तो ये है कि कारोबार ही नहीं है वो क्या कहते हैं लोगों के पास सकत ही नहीं है लोगों के हड्डियों से इन्होंने बिल हुकूमत ने पैसे निकाल लिए कौन आएगा हमारे पास ये देखें बाज़ार खाली पड़ा हुआ है ये बाज़ार में कैमरा डालें आप बाज़ार टोटल खाली है किसी के पास पैसे ही नहीं है तो हम बाज़ार में क्या लेने आए और ये वो बाज़ार होता था कि आप सुबह आ जाएं दोपहर आ जाएं सिखर दोपहर आ जाएं रश होता था आप गुजर नहीं सकते थे यहाँ से अब तो बिल्कुल फारग है दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग रहे हैं ठेले वाले ठेले तो क्या करें हुकूमत हुकूमत पे आ जाते हैं सिस्टम पर आ जाते हैं आपके ख्याल में उनको क्या करना चाहिए कि लोगों के हालात बेहतर हो सके सबसे पहले तो ये जो हमारे ऊपर तलवार है ना बिल की इसे कम करना चाहिए ये हर मंथ हर महीने सानू इसको प्या हों कि यार सानू यह तलवार वजनी है सानू छुरा वजना है बकाया अखराजात जड़े ने सब तो पहले सानू बिल तो रिलीफ दवाओ तकरीबन देखो एक सिंगल 1% में 1 लाख रुपये इतना तो 50 हज़ार रुपये का 1.5 लाख रुपये बिल मैंने 5 हज़ार रुपये रोज बिल चाहिए बाकी अखराजात तो दूर की बात खाना पीना तो लग गए ना मैं अपने घर दुध लेके जाना सी अजकल बंद किया होया कि यार मैंने बिल आने वाला हो गया मतलब कारोबारी लोगों का ये हाल है तो बेचारे दूसरे तबके का है क्या रिक्शे ड्राइवर का बात कर ले तो उसका क्या हाल है वो तो भी थल्ले लोग अपनी गड्डियां बेचते पे ने कल एक मैडम आई है मेरे को सफेद पोश है मेरे जानने वाले ने कहते यार मेरा गोल्ड बका दे मैं बिल तार सही कह रहे हैं लोगों के हालात बड़े खराब हालात बड़े परेशानी वाले अभी एक मुझे एक साहब मिले बेटे की मोटरसाइकिल बेच के उन्होंने बिल उतारा मतलब हालात इस 40 हज़ार रुपये बिल आया है मैंने चक्कर आ रहा है मैं की करना है किस तरह गुजारा करना है बहुत शुक्रिया जी आपका लोगों के हालात हम हुकूमत के सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि हुकूमत अपने फैसले कर सके डिसीजन कर सके कि कैसे हालात को बेहतर करने के लिए अपना रोल वो प्ले कर सकती है अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है आपके कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हो मुझे 22 साल हो गए 22 साल हो गए
रिक्शा ही चला रहे हैं, कभी कुछ और करने का क्यों नहीं सोचा? बस इसी में हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो गई है, कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? तकरीबन 18 घंटे 18 घंटे। सुबह कितने बजे सुबह? सुबह 6 बजे निकलते हैं, कोई 1:30-2 बजे तक बच्चे स्कूल के उतार के फिर घर जाते हैं, फिर शाम को फिर निकल के 2 बजे घर जाते हैं। 2 बजे घर जाते हैं, तो तकरीबन सारा दिन ही हो गया ना, सोने का टाइम भी नहीं मिला। 4-5 घंटे महीने का कितना कमा लेते हैं एवरेज, कभी हिसाब रखा हो? एवरेज यही है कि रोज का 1000, इससे ज्यादा नहीं। 1000 से ज्यादा नहीं, 1500-2000 खर्चा है। कैसे पूरा कर? बस हर महीने किसी ना किसी से लोन ले लिया, कभी कुछ कर लिया। रिक्शा अपने? रिक्शा अपने। ये आपको बचत है? हाँ जी। वरना रिक्शा पहले हमने लिया था 2016 में तकरीबन 1,80,000 का, अब लिया है, पीछे मेरा रिक्शा खड़ा है, 4,70,000 का लिया, वो भी हमने किसी ने लेके दिया, खुद नहीं लिया, अपने पैसों से नहीं, वो कोई है हमारा अजीज जानने वाला, गुजारा नहीं हो पा, उन्होंने लेके दे दिया। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल है 12,000। 200 से ऊपर चले गए यूनिट? हाँ जी, 12,000 बिल है, तो कमाई कुछ है नहीं, वो भी समझ ले किसी से उधार लेके जमा करवाए। ये कह रहे हैं जिस शख्स से आप पूछें, बहुत शुक्रिया भाई, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं, उधार से गुजारा चल रहा है। अक्सर लोग कहते हैं खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसमें बड़ी कमाई है, उन स्टॉल्स में बड़ी कमाई है। यहाँ पे एक भाई है खान मोमोज पॉइंट लगा हुआ, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आए, ज़रा इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कितने घंटे इस स्टॉल को ओपन करके आप स्टॉल लगा के रखते हो? मैं 2 बजे आता हूँ, रात को 11-12 बजे चले जाते हैं। चले जाते हैं, रोज के कितने कमा लेते हैं? बस 6,000-7,000 रुपये कमा सकते हैं रोज का। रोज का खर्चा कितना होता है उसमें? खर्चा होता है 12,000-15,000 रुपये खर्चा होता है रोज का। रोज तो आपको बचता क्या है इसमें? क्या करें, मजबूरी आए तो 300-200 बच जाते हैं दिन में, क्या करें बंदा। दिन में आपकी बचत 200-300 है सर? 200-300, इससे ज्यादा नहीं। लोग कहते हैं खाने पीने के स्टॉल लगा लो, बड़ी बचत है, बड़े पैसे निकलते हैं आजकल। आपको पता है क्या हालात जा रहा है अफगानिस्तान में, बड़ा बहुत खराब है, अल्लाह खैर करे, ठीक है, अल्लाह देने वाले हैं। ये आपने अच्छी बात की आखिर में, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह खैर करे जी, हालात बेहतर हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। तलहा, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हो? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, पढ़े लिखे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े? मैं जो है वो मास्टर्स कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो? साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। क्या जरूरत पेश आई कि आपने कहा कि मैं साथ काम भी करूँ और मोबाइल का? जरूरत ये था कि जॉब्स ना होने की वजह से जो है वो मुझे, हम एक वैसे भी बैकग्राउंड फैमिली जो था वो हमारा बिजनेस फैमिली से था, तो इस वजह से जरा जॉब से ज्यादा मुझे लगा कि ये अच्छा रहेगा, लेकिन दिस इज नॉट गुड राइट नाउ। दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड। अपने बॉस खुद होना भी अच्छा नहीं गुजर, अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि जो मतलब आमदन उस लेवल की नहीं है, इससे बेहतर था मैं कोई जो है वो लाख तक की जॉब कर लेता तो चले कोई थोड़े बहुत एक्सपेंसेस पूरे हो जाते, पूरे हो जाते। लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है, हम तो वेले बैठने वाला साहब है, कोई ना खर्चे मैनेज हो रहे हैं ना बिल मैनेज हो रहा है, बिल तो वैसे ही 50,000 रुपए शॉप का मेरा आ रहा है, इतनी सी शॉप का 50,000 बिल आ रहा है। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेल हो तो मुझे कभी भी ना दुखे, कोई मसला नहीं है इस तरह का। अंदाजन कैलकुलेशंस आपने की होंगी ऑन एवरेज, असल में आज का हमारा शो ये है कि हम लोगों की इनकम प्लस एक्सपेंडिचर उसका कंपैरिजन दिखा रहे हैं। कितनी इनकम है आपकी पर मंथ जो आप अपनी इस दुकान से कर रहे हैं? हार्डली जो है वो मेरा कोई 2.5 लाख हो जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव जो है वो मेरे एंड पे मेरे जेब में जो है वो 30-40,000 व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, वो तो आपका खर्चे भी बीच में ही आ गए ना, प्रॉफिट आपका 35 से 40,000 रुपए पर मंथ है, तो जितने पैसे आपने इस कारोबार में डाले वही कम हो रहे हैं, वही कम हो जा रहा है। मैं अपनी ये कह लें कि इन शॉर्ट में अपनी राज खुद ही खाई जा रहा हूँ, अपनी राज खुद ही खाई जा रहा हूँ। मतलब उसमें कोई जो है ना कोई प्लस पॉइंट नहीं है, कोई मैं मतलब इसको बढ़ा भी कैसे लूँ मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। 3 साल पहले भी यही हालात थे? 3 साल पहले ये था, स्टार्टअप था मेरा, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन मैं सेट हो गया था, लेकिन एकदम ये जो क्रूशियल टाइम आया बिलों ने जो मार दिया, यकीन करें मैं तो वजन हो गया। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आप जैसे लोग जो पढ़ लिख जाते हैं अच्छी कंपनी में, पूरा ब्रॉटअप होता है उनका, लेकिन वो बिजनेस की तरफ आते हैं कि हम शायद ज़्यादा कमा लेंगे, किसी के मुलाजमत करने के बजाय खुद अपना काम शुरू करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं,
बट आजकल वो भी परेशान है, तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान की हालात बेहतर हो जाए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को तो ये प्लस पॉइंट हमें देना चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, कुछ हमें फ्रीलांसर्स के बारे में सिखाना चाहिए, कुछ जो भी मतलब एज कम्पेयर टू वर्ल्ड जो पाकिस्तान में चल रहा है, मतलब वो पाकिस्तान वैसे ही ग्रे लिस्ट में है या शायद ब्लैक लिस्ट में, आई डोंट नो, लेकिन जो है वो लेकिन पॉजिटिव में जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे यहाँ के, उनको हमें चाहिए कि हमें ज़रा ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारे लिए थोड़ा सा आसान कर दे हमारे बिलिंग सेशन को, हमारे जो है लिविंग सेशन को कर दे थोड़ा बहुत। लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें जो है गवर्नमेंट को ये देना चाहिए कि हमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज दें, थोड़े से टैक्स जो हैं फेयर भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जो है वो हमें रिलीफ मिलना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, लेकिन वहीं पर अगर आप ज़राए आमदन बढ़ा देंगे ना लोगों के, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल देंगे, वो चाहे फ्रीलांस की सूरत में हो, वो किसी स्टार्टअप और सेटअप की सूरत में हो, तो ये महंगाई कम लगना शुरू हो जाएगी, कमाई बढ़ जाएगी, तो आपको महंगाई का मसला नहीं है। सबसे बड़ा मेहनत से हम भागते नहीं है, लेकिन जो है वो हमारा मेहनत करने की तरह डायरेक्शन की तरह आउटपुट की तरह हमारी होगी, लेकिन जो है ना वो बस इसी के अंदर हम स्टक हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, गुड लक। माँ जी एक मौजूद है यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? बाजार आई हुई थी आप? नहीं बेटा, मैं दरबार जाती हूँ। अच्छा, दरबार। माँ जी कैसे हालात चल रहे हैं घर? बेटा बहुत बुरा, कुछ बता नहीं सकती, मेरे हस्बैंड भी नहीं है तो मुझसे घर का बिल फोड़ नहीं होता, और घर का खाना भी नहीं एक टाइम का बनाती हूँ, और एक टाइम का मैं मेहनत भी करती हूँ, किसी के घर काम करती हूँ, और मैं शुगर की मरीज हूँ, मुझसे मेहनत भी नहीं होती, तो मेहनत जितना मैं किराया लगा के जाती हूँ आती हूँ, उतना मुझे मुआवजा भी नहीं मिलता, मगर मेहनत करने का फ़ायदा कुछ नहीं, ये हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर रही। नहीं, ये जब वोट आते हैं कहते हैं वोट दो मरियम नवाज को, वोट दो इसको, वोट दो, हम लोग देते हैं, हम देते हैं नवाज शरीफ को वोट दिया। अच्छा, ये बात नहीं है कि दिया नहीं, वोट दिया, हमें फ़ायदा क्या? जलील तो हम सड़कों पर ऐसे ही धक्के खा रहे हैं, जिन लोगों ने मेहनत करनी है तो मेहनत का जितना मुआवजा करना उतना, घी महंगा, आटा महंगा, तेल महंगा, और सबसे ज्यादा जितना कमाना है खर्चे उससे डबल है, ये जितना कमाते उतना तो बिल आ जाता है। मेरे घर में एक पंखा चलता और दो बल्ब, ना मेरे घर में एसी ना फ्रिज। बच्चे नहीं है आपके घर? मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, और अब मैंने बेटी की शादी करनी, मैं इतनी जहनी तौर परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ और कहाँ से करना है। जो लोग इस वक्त मुझे उन लोगों ने 17,500 बिल भेजा, तो मैं दफ्तर कहते हैं बस यूनिट ये वो ये खराब है ये, मैंने उसको कहा कि बेटा मेरे बाटा रोड पे नहीं, टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, इस्त्री है, एक कपड़े धोने वाली मशीन, एक छत वाला पंखा, स्टैंड पंखा भी नहीं, और मुझे 3 साल हो गए मैं बगैर पंखे के, 3रा साल है हम बगैर स्टैंड पंखे के निकाल, तो फिर भी ये लोग हमारे लिए कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, 17,000 बिल। हाँ, देखो मैं कहाँ से दूँ, महीने का कितना कमाती? महीने का मैं कमाती हूँ 15,000, तो उससे जब मैं शाम को डेली पैसे लेके आती हूँ तो मैं घर की हांडी बनाती हूँ, और मेरे मोहल्ला पूरा, तो बिल कैसे भरा फिर? मैंने अभी तक भरा ही नहीं, मीटर उतार के ले जाएंगे तो ले जाएंगे, क्या करेंगे। हाय, चले अल्लाह मियाँ हमारे हाल पे रहम करे, दुआ करनी चाहिए जी। लोगों के हालात और बिल और आमदन का कंपैरिजन इसलिए कि इस वक्त सबसे बड़ा अखराजात में जो चंक है वो आपका बिजली का बिल ले जाता है, और बिल और अखराजात एक तरफ रख दें और आमदन एक तरफ रख दें, उसका प्रोपोर्शन जो है वो ख़राब होता जा रहा है, अखराजात डबल से ट्रिपल और आमदन आपकी कम। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हम नहीं मांग रहे आपसे सब्सिडीज़, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कोई मुफ्त बिजली के यूनिट नहीं चाहिए, कोई सस्ते बिजली के यूनिट नहीं चाहिए, आप लोगों की आमदन बढ़ा दें, आप लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें, जो करोड़ों अरबों रुपया लगाकर कभी किसी चीज़ की तशहीर की जा रही होती है, कभी किसी प्रोजेक्ट पर वो लगाए जा रहे होते हैं, अगर ये सारे के सारे पैसे आप सिर्फ इस पॉइंट पर लगा दें कि हमने लोगों की आमदन बढ़ाई, हमने अपने टेक्निकल स्टाफ, हमने अपने ऐसे लोगों को जो हुनरमंद हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि उनकी आमदन में इजाफा हो, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड और ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। हम जब भी बात करते हैं कि आधी से ज़्यादा जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस चक्कर में लगी हुई है कि बाहर का मौका मिले और हम भाग जाएं, और एक बड़ी परसेंटेज लाखों लोग हैं जो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, उनमें से ज़्यादातर टेक्निकल स्टाफ, जिनमें
जैसे इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं, वो तमाम लोग हैं जो टेक्निकली हुनरमंद हैं, उनके पास कोई हुनर है जिसके तहत वो कमाते हैं। हमारे यहाँ पर वोकेशनल स्कूल्स भी मौजूद हैं, बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। क्या हम उनको अपडेट करते हैं, क्या हम उनको अपग्रेड करते हैं कि वहाँ पर आकर लोग कोई हुनर सीख सकें और फिर मार्केट में उनके लिए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों कि वो अच्छी कमाई कर सकें। जो पैसे उनको बाहर मिलते हैं कि अगर पाकिस्तान में मिले तो कोई यहाँ से जाना नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से ये होगा कि अपने टेक्निकल सेंटर्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनके लिए अपना रोल प्ले करें, और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी तो उससे इस मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।